तो हेलो गाइज, आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ मैं, और मैं कुछ पर्सनल कामों की वजह से बिजी हो गया था। इसके लिए मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू रखूंगा, और आप लोग काफी ज्यादा वेट कर रहे होंगे तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमने अमेजोन से काफी कमाल की चीज परचेज की है, और सबसे पहले इसको हम निकालते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं आपको ये क्या है। सबसे पहले तो गाइज ये है एक नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यानी लाफिंग गैस के भी नाम से जानते हैं, यानी इसे सूंघने के बाद आदमी की हंसी नहीं रुकती। और आपने कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें इसे लेने के बाद आदमी की हंसी नहीं रुकती है, तो आज इसका रीटेस्ट करने वाले क्या ये सच में काम करता है, इसे हम सूंघने के बाद सच में हंसेंगे या फिर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज इस छोटे से सिलेंडर का एक बार आप साइज देखो और डिज़ाइन देखो, काफ़ी क्या कमाल का है। इस पर लिखा हुआ है N2O, और इसको हम सबसे पहले इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है क्योंकि इसके अंदर प्रेशर रहता है, प्रेशर के साथ गैस बढ़ा होता है, तो इसको निकालने के लिए हमें सात चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि इस टाइप का एक कील का ज़रूरत है हमें, और इसको हम पड़ेंगे तो आ जाओ एक आदमी, चलो फिर इसको बैलून में हम कैद करेंगे, फिर इनहेल करने की कोशिश करेंगे। चलो फिर निकालो इसमें से, और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इस N2O का अभी हमने इसमें अभी भर लिया है, तो उसमें और है क्या, और देख सकते हैं गाइज हमें नहीं पता एक किस तरीके का रिएक्शन करेगा बॉडी के ऊपर, क्योंकि इसका ज़्यादातर यूज मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा यूज है इसका, और इसको हम इनहेल करने की कोशिश करते हैं। गाइस इसका स्वाद कुछ मीठा मीठा सा लग रहा है, और गाइस इसमें अभी हम एक सिलेंडर पूरा ले चुका हूँ इसका, और ऐसा अभी कुछ हो नहीं रहा है हमारे साथ। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं इसका एक सिलेंडर पूरा खाली करके इसमें भर के अभी आपके सामने मैंने पूरा लिया है इसको, और देख सकते हैं इसका अभी कोई भी असर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि हंसी काफी तेज आ रहा है, लेकिन एक चीज है गाइस थोड़ा चक्कर सा महसूस हो रहा है इसमें। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, अरे मेरी लड़की चले गई, पर हंसी जैसा कुछ नहीं हो रहा अभी, लेकिन कुछ नहीं ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। और गाइज आप ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, और करना है तो मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही करना, नहीं तो ये खतरनाक भी हो सकता है, ये सीधा हार्ट पर अटैक करता है, या सॉरी ये सीधा माइंड पर अटैक करता है कुछ भी। तो चलिए एक और निकालने की कोशिश करते हैं। तो गाइज जब तक ये भरता है मैं आपको बता दूँ, हल्का सा असर हुआ था, वो भी ऐसा जैसा चक्कर आया था माइंड पे, नशा टाइप का, लेकिन उसके बाद तुरंत ही वो ख़त्म हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हंसी जैसा ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, तो शायद फेक ही दिखा रहे होंगे वो लोग जो हंस करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर से मैं एक और इसको इनहेल करने की कोशिश करूँगा और सूंघने की कोशिश करूँगा। गाइज ऐसा लग रहा है माइंड पे असर कर रहा है कुछ इस तरीके से, और इसमें हंसी जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, नशा टाइप का आ रहा है, और माइंड को चक्कर की तरह पूरी तरीके से घुमा रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर हम इसमें हंसना स्टार्ट करें तो वो हमसे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि पूरा माइंड ही कंट्रोल में नहीं है, तो इसके वजह से इसका लाफिंग गैस नाम हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इसको लेने के बाद डायरेक्टली आपको हंसी आएगी या फिर कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हंसने की कोशिश करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, आप ज़्यादा ही हंसेंगे, कुछ ऐसा होने वाला है। तो अभी तक तो सब कुछ सही है, हमने हंसी को कंट्रोल करके रखा है, और सही में अभी इसको भी ले लेते हैं बचा खुचा। गाइज ये तीसरा बैलून था, और हमने इसको भी पूरी तरीके से ले लिया है,
असर हल्का सा माइंड पे हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली सिलेंडर को अपने अंदर ले रहा है। और क्या इसको इस बार मेरे से तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दिया जो भी हो रहा था अभी। अब इसकी बारी है, इसको निकालते हैं और इसको सुंघाने की कोशिश करते हैं किस तरीके का असर होता है। तो इस बार हम इस ट्राई इसके ऊपर करते हैं और यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले इस बैलून भरते हैं और इसका भी रिएक्शन जानते हैं किस तरीके का ये कुछ असर कर रहा है या फिर क्या हो रहा है। गाइस इसके अंदर से अभी भी गैस निकल रहा है और मीठा मीठा लग रहा है। मीठा लग रहा है ना। अभी देखते हैं इसका असर क्या होता है। ये माइंड पे चढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। माइंड बोल रहा है ना। हाँ, वाइब्रेट कर रहा है। गाइस देख सकते हैं असर हो रहा है। बोला कर रहा है यार, माइंड घूम रहा है पूरा। ऐसे ये सब पूरा थरथर कर रहा है और माइंड पूरा एकदम वाइब्रेट कर रहा है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ वाइब्रेट कर रहा है यार, वाइब्रेट कर रहा है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का असर रहा है। इसे पूरा फूल था इसमें निकला हुआ ना। हाँ, मैंने इसमें कुछ ज्यादा ही इसमें पूरा फूल निकला हुआ था, इसीलिए इस बैलून में कुछ ज्यादा ही था। और देख सकते हैं यहाँ पे असर कर रहा है। अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है, बोलिए यहाँ क्या मतलब। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। नहीं 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 बोलेगा। नहीं नहीं बाहर की है ना, इसमें नहीं हो रहा। असर थोड़ा कंट्रोल अनकंट्रोल, लेकिन कंट्रोल हो जा रहा है। कंट्रोल हो जा रहा है। एक बार एक और लगेगा बस। यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज इसका असर आपने देखा, ये भी अभी फिट है, हम भी फिट है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंदर से एक्साइटमेंट या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि खुशी जैसा अंदर कुछ मिल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ये तो फील हो रहा है गाइज। और ये काम कर रहा है, उस तरीके का काम कर रहा है। लेकिन गैस है, फील तो होगा। और ये शायद इसी के लिए यूज आता है। और हंसने लाफिंग गैस इसका इसीलिए नाम होगा शायद, कि इसको ज़्यादा अगर क्वांटिटी में हम ले तो शायद हमसे हंसी भी कंट्रोल ना होगा। और शायद इसमें O N 2 O का मात्रा भी परसेंटेज भी शायद कम हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन असर कर रहा है, माइंड पर असर कर रहा है, एक्साइटमेंट आ रहा है, अंदर से खुशी हो रहा है, इतना ज़्यादा है। इससे ज़्यादा हम ठहाके लगाकर हंस नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए। तो मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।